जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। खेत से शुरू हुई विवाद को देखते ही देखते सड़क पर पहुंच गया। आक्रोशित लोगों ने थाना के सामने सड़क जाम कर बवाल काटा। आक्रोशित को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। दरअसल छातापुर के लक्ष्मीपुर खूटी दलित टोला में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद में झगड़ा हुई। एक पक्ष ने थाना के सामने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद जाम छुड़ाने पर आक्रोशितों को शांत कराने में पुलिस को सफलता मिली। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिमन्यु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिमन्यु जी, जी जी, बताया जाए कि क्या किस तरह से यह झगड़ा खेत में हुआ और विवाद सड़कों पर उतर गया, क्या था मामला? मैं आपको बता दूं, छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर खूटी में गुरुवार को जमीन को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। प्रथम पक्ष जमीन पर वर्षों से खेती करता आ रहा है जी। आज सुबह जब प्रथम पक्ष ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने गया था तो वहां दूसरे पक्ष के लोग ने विरोध किया। मामला को बिगड़ता देख प्रथम पक्ष थाना में जाकर मामला के संज्ञान को थानाध्यक्ष को दिया। उसके बाद थानाध्यक्ष थाना का जीप मतलब में भेजा गया, वहां पे कहीं कुछ नहीं मिला। तो इसमें अभिमन्यु जी हमें ये बताइए कि सड़क पर भी जहां तक तस्वीरें देखने को मिल रही है कि आम लोगों के साथ भी मारपीट की घटना हुई है या सिर्फ जो दो पक्ष है उन्हीं दो पक्षों के बीच में हुई है? जी नहीं, आम लोगों के साथ भी कुछ घटना हुई। दूसरे पक्ष बहुत आक्रोशित थे, उनका कहना था कि मेरा पक्ष थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं छातापुर, जिसके कारण से दूसरे पक्ष उतावला हो गए। उनके बाद मामला को के बहुत सारे मोड़ आए हैं, जहाँ पे मतलब प्रथम पक्ष के कुछ बूढ़े व्यक्ति एक व्यक्ति। अच्छा, इसमें अभिमन्यु जी बताइए कि सड़क जाम करने और हंगामा करने के आरोप में अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? जी नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं किए हम लोग, डर के मारे रह गए। आज भी वही नतीजा आया है कि 25 को बनमास पेट्रोल पंप पर था, हम लोग गए जब रुकवाने के लिए तो सब अपना अपना फायर किया। हमारे यहाँ के लेडीज सब गई, उसको मारपीट किया, सब अभी घायल है। हम बड़ा बाबू के पास आए मारपीट से पहले, बड़ा बाबू कुछ नहीं इंजाम लिया इसका। अभी हम लोग यहाँ थाना आए उससे पहले पार्टी से, बड़ा बाबू अपना चैम्बर में पूरा मैनेज हो रहा है, इससे पहले भी मैनेज हो गया है, त्रिवेणीगंज भी मैनेज हो गया है, हम लोग को कहीं नहीं सुनने के लिए तैयार। मामला यह था, जमीन संबंधी विवाद था, वह एक पक्ष पीड़ित पक्ष था, उसका कहना है कि मेरी जमीन को जोत आबाद कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष से जब यह जानकारी प्राप्त किया तो उन्होंने कहा कि मेरा आज तक रसीद कट रहा, हाल तक मेरा सब दिन जोतवाद होता रहा था, इसलिए हम जोत कर रहे थे। दूसरे पक्ष की जब आए बात सुनने के लिए तो पता चला कि वह दूसरे रोड जाम क्या हुआ, तो मैंने चाहा कि कौन सी का रोड जाम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे परिवार की कुछ महिलाएं गई थी, उसके साथ मारपीट किया था। मैंने कहा ठीक है, जाँच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में दूसरे पक्ष का जो संबंधित पक्ष था, जो जोतवाद कर रहा था, उस पक्ष के जब व्यक्ति गुजर रहे थे बूढ़े आदमी, उसके साथ भीड़ में उनके कुछ आदमी ने उसको मार बैठा। कहाँ का मामला है? यह करावाना का मामला है। किनको मारपीट किया गया? उस नाम ने उस पक्ष का प्रतिपक्ष के व्यक्ति है, मैंने जो पक्ष जोतवाद कर रहा वो पक्ष के लोग थे। पुलिस इस पे क्या कुछ कर रही है? इस पे दोनों तरफ से आवेदन प्राप्त करके उचित कार्रवाई की जा रही है। पूर्व से मामला चलता आ रहा था, जनता दरबार में भी मामला चला है, और यह पुराना विवाद था उसी का एक कड़ी था।